जय श्री हरि। स्पिरिचुअल ज्ञान में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे देव शयनी एकादशी क्यों है इतनी खास, क्या है इसका महत्व, पूजा विधि और व्रत कथा, इसके साथ ही साथ पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में भी बातें करेंगे। यदि आप स्पिरिचुअल ज्ञान चैनल में पहली बार आए हैं या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आषाढ़ माह की शुक्ल एकादशी तिथि को देवशयनी एकादशी कहते हैं। हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इस दिन के बाद से 4 माह तक के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। वर्ष 2023 में मलमास लग जाने के कारण इस बार भगवान विष्णु की शयन अवधि 5 माह की होगी। इस साल देवशयनी एकादशी 29 जून 2023 गुरुवार को है। देवशयनी एकादशी को पद्म एकादशी, प्रबोधनी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और हरिशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस एकादशी के बाद से भगवान विष्णु पाताल लोक में निंद्रा अवस्था में चले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भगवान विष्णु क्षीर सागर में आराम करते हैं इस दौरान और फिर कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पर ही जागते हैं। देवशयनी एकादशी 2023 के मुहूर्त की यदि हम बात करें तो देवशयनी एकादशी 29 जून को है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 28 जून को रात को लगभग 10 बजे हो जाएगा और समाप्ति 29 जून को 7:17 पर होगी। विष्णु जी की पूजा का समय 10:49 सुबह से लेकर के दोपहर 12:25 तक अच्छा समय है। एकादशी व्रत का पारण कब करना है तो 30 जून को 5:36 से लेकर के सुबह 8:21 तक कर सकते हैं। एकादशी पूजा की सामग्री लिस्ट तो विष्णु जी का चित्र चाहिए, मूर्ति चाहिए, चित्र और मूर्ति में से एक। इसके अलावा पुष्प, नारियल, सुपारी, फल, लौंग, धूप, दीप, घी, पंचामृत, अक्षत, तुलसी दल, चंदन और मिष्ठान, इन सब सामग्री के साथ भगवान विष्णु की पूजा करनी है। देवशयनी एकादशी व्रत का अनुष्ठान कैसे करना है तो देवशयनी एकादशी पर पवित्र स्नान करना बहुत शुभ माना जाता है। संभव नहीं है तो गंगा जल डालकर ही घर पर स्नान कर लें। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के सम्मान में गोदावरी नदी में डुबकी लगाने के लिए बड़ी संख्या में भक्त नासिक में इकट्ठा होते हैं। देवशयनी एकादशी के दिन भक्त चावल, बीन्स, अनाज, विशिष्ट सब्जियों और मसालों जैसे विशिष्ट खाद्य पदार्थों से परहेज करके उपवास रखते हैं। इस दिन उपवास रखने से भक्तों के जीवन में सभी समस्याओं या तनावों का समाधान हो जाता है। देवशयनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भक्त जन भगवान विष्णु की मूर्ति को गदा, चक्र, शंख और चमकीले पीले वस्त्रों से सजाते हैं। प्रसाद के रूप में अगरबत्ती, फूल, सुपारी और भोग भेंट किया जाता है। पूजा अनुष्ठान के बाद आरती गाई जाती है और प्रसाद अन्य भक्तों के साथ खाया जाता है। इसके अलावा देवशयनी एकादशी पर इस व्रत के पालनकर्ता को पूरी रात जागना चाहिए और भगवान विष्णु की स्तुति में धार्मिक भजन या गीत का जाप करना चाहिए। विष्णु सहस्त्रनाम जैसे धार्मिक पुस्तकों का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। देवशयनी एकादशी से इन कार्यों पर रोक लगा दी जाती है। आषाढ़ माह की देवशयनी एकादशी से 4 माह तक विष्णु जी क्षीर सागर में विश्राम करते हैं, इसलिए इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास में मांगलिक कार्य जैसे कि शादी, मुंडन, गृह प्रवेश, उपनयन संस्कार करना वर्जित होता है। चतुर्मास 4 महीने का आत्म संयम वाला काल है जिसमें जप, तप, स्वाध्याय, पूजा पाठ करना शुभ फलदायी होता है। इस अवधि में देवीय शक्तियों का प्रभाव कम होता है और दैत्यों की ताकत बढ़ जाती है। इसलिए कहते हैं कि चातुर्मास में शुभ कार्य करने पर उसका फल प्राप्त नहीं होता। अब जान लेते हैं देवशयनी एकादशी व्रत की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत को करने की विधि क्या है और किस देवता का पूजन किया जाता है। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ।
एक समय नारद जी ने ब्राह्मण जी से यही प्रश्न किया था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया कि हे नारद, तुमने कलयुगी जीवों के उद्धार के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है, क्योंकि देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम है। इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते वो नरकगामी होते हैं। इस व्रत के करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। इस एकादशी का नाम पद्म एकादशी है। अब मैं तुमसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, तुम मन लगाकर सुनना। सूर्यवंश में मांधाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ, जो सत्यवादी और महान प्रतापी था। वह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करता था। उसकी सारी प्रजा धन्य धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। जब मैं धर्मानुसार राज्य करता हूँ तो मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया, इसके कारण का पता मुझको अभी तक नहीं चल सका। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निर्वृत्त कराने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए, साथ ही प्रजा के कष्ट को दूर करने का कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण सम्मिलित हैं, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रख सकते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। इसी दोष के कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हैं तो उस शूद्र का वध कर दो। इस पर राजा कहने लगे कि महाराज, मैं उस निरअपराध तपस्या करने वाले शूद्र को किस तरह मार सकता हूँ? आप इस दोष से छुटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्म नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सब सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा, सेवक तथा मंत्रियों के सहित करो। मुनि के इस वचन को सुनकर राजा अपने नगर को वापस आया और उसने विधि पूर्वक पद्म एकादशी का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से वर्षा हुई और प्रजा को सुख पहुंचा। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए। यह व्रत इस लोक में भोग और परलोक में मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। देवशयनी एकादशी महत्व। इस पावन दिन व्रत रखने से सभी तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी का व्रत रखने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस विधि से पूजा पर मिलेगा भगवान विष्णु का आशीर्वाद। आइए जान लेते हैं। ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि भगवान विष्णु की आराधना के लिए एकादशी व्रत से कोई भी प्रभावशाली व्रत नहीं है। इस दिन जप तप पूजा पाठ उपवास करने से मनुष्य को श्री हरि की कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है। बिना तुलसी दल के भोग इनकी पूजा को अधूरा माना जाता है। ऐसे में देवशयनी एकादशी पर तुलसी की मंजरी, पीला चंदन, रोली, अक्षत, पीले पुष्प, ऋतुफल एवं धूप दीप मिश्री आदि से भगवान वामन की भक्ति भाव से पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार देवशयनी एकादशी के दिन कमल लोचन भगवान विष्णु का कमल के फूलों से पूजन करने से तीनों लोकों के देवताओं का पूजन हो जाता है। रात के समय भगवान नारायण की प्रसन्नता के लिए नृत्य, भजन कीर्तन और स्तुति द्वारा जागरण करना चाहिए। जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है तो कृपया मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा इसी तरह से और वीडियोज़ को बनाने और अपलोड करने का।
थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज.